हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी कॉम्ब के चैप्टर नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ व्हाई, यानी कि निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया और क्यों दिया। तो इसका आंसर है निषाद गेव मिस्टर नाथ अ बार चॉकलेट बिकॉज ही थॉट दैट पुअर मिस्टर नाथ वॉज स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा भूखा होना। जब आपको कुछ दिनों तक खाना नहीं मिलता तो इसे स्टार्विंग कहते हैं। इसका यह मतलब है कि निषाद ने मिस्टर नाथ को एक चॉकलेट दी क्योंकि निषाद ने यह सोचा कि बेचारे मिस्टर नाथ बहुत ज्यादा भूखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ्स संडेज, यानी के मिस्टर नाथ के संडेस के बारे में यानी के रविवार के बारे में अजीब बात क्या थी। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। तो इसका आंसर है द स्ट्रेंज थिंग अबाउट मिस्टर नाथ्स संडेस इज दैट अ मैन कम्स टू मीट हिम एवरी संडे। इसका ये मतलब है कि मिस्टर नाथ के संडेस के बारे में अजीब चीज ये थी कि हर संडे उनसे मिलने के लिए एक आदमी आता था। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड निषाद एंड माया गेट अ हॉलीडे, यानी कि निषाद और माया को छुट्टी क्यों मिली। इसका आंसर है इट रेन्ड सो हैवीली दैट ऑल द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड विद वाटर सो द स्कूल डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे। इसका यह मतलब है कि इतनी ज्यादा बारिश हुई कि गलियों में बहुत ज्यादा पानी भर गया जिसकी वजह से स्कूल ने छुट्टी घोषित कर दी। अब हम देखेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है व्हाट डज निषाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश, यानी कि निषाद को रमेश से मिस्टर नाथ के बारे में क्या पता चलता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रमेश मिस्टर नाथ के बारे में निषाद को क्या बताता है। और उसके बाद हमसे कहा गया है अरेंज द इंफॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो व्हाट ही ईट्स व्हेन ही ईट्स व्हाट ही ड्रिंक्स एंड व्हेन हाउ ही पेज, यानी कि हमें ये बताना है कि रमेश मिस्टर नाथ की इन सब बातों के बारे में निषाद को क्या बताता है कि मिस्टर नाथ क्या खाते हैं कब खाते हैं क्या पीते हैं कब पीते हैं और वो बिल कैसे पे करते हैं। इसका आंसर है रमेश टेल्स निषाद दैट मिस्टर नाथ ईट्स द सेम फूड एवरी डे टू चपातीज सम दाल एंड वेजिटेबल एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसका ये मतलब है कि रमेश निषाद को बताता है कि मिस्टर नाथ हमेशा एक ही तरह का खाना खाते हैं जिसमें दो रोटियां होती हैं कुछ दाल होती है और एक सब्जी होती है और वो हर सुबह और हर शाम को ये खाना खाते हैं। ही ड्रिंक्स 2 cups of tea, 1 in the morning and 1 in the afternoon. यानी कि मिस्टर नाथ 2 बार चाय पीते हैं, 1 बार सुबह और 1 बार दोपहर में। ही पेस कैश एंड टिप्स वेल, यानी कि मिस्टर नाथ अपना बिल कैश पे करते हैं और वो टिप भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है Why does Maya think Mr. Nath is a crook? Crook का मतलब होता है धोखेबाज या अपराधी। तो माया ऐसा क्यों सोचती है कि मिस्टर नाथ एक अपराधी है एक धोखेबाज है। Who does she say the Sunday visitor is? इसका ये मतलब है कि हर संडे जो व्यक्ति मिस्टर नाथ से मिलने आता है माया उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचती है। इसका आंसर है माया हैज सेवरल रीजंस टू सस्पेक्ट दैट मिस्टर नाथ इज अ क्रूक अ क्रिमिनल,
यानी कि माया के पास ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से माया ये शक करती है कि मिस्टर नाथ एक धोखेबाज हैं, एक अपराधी हैं। ही हैज सो मैनी स्कार्स ऑन हिज फेस, यानी कि मिस्टर नाथ के चेहरे पर बहुत सारे दाग हैं, बहुत सारे घाव के निशान हैं। दीज मे बी द बुलेट इंजरी मार्क्स, और माया को ऐसा लगता है कि मिस्टर नाथ के चेहरे पर जो ये दाग हैं, ये शायद पुलिस की गोलियों के निशान हैं। ही हैज नो फ्रेंड्स एक्सेप्ट अ संडे विजिटर, यानी कि मिस्टर नाथ का कोई दोस्त भी नहीं है और केवल एक व्यक्ति हर संडे उनसे मिलने आता है। ही हैज नो रेगुलर जॉब येट ही पेज कैश फॉर हिज मील्स एंड टी। इसका ये मतलब है कि मिस्टर नाथ के पास कोई जॉब भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है, फिर भी वो अपने खाने और चाय के बिल कैश में पे करते हैं। माया सस्पेक्ट्स दैट मिस्टर नाथ हैज लॉट्स ऑफ मनी और ही गेट्स अ शेयर इन द लूट फ्रॉम हिज संडे विजिटर। माया को ये शक होता है कि मिस्टर नाथ के पास बहुत पैसा है, या फिर जो व्यक्ति हर संडे उनसे मिलने आता है, वो लूट के अंदर से उनका जो हिस्सा है, वो मिस्टर नाथ को दे जाता है। यानी कि माया को ये शक होता है कि मिस्टर नाथ और उनके साथी ने कोई चोरी की है, कुछ लूटा है, और उस लूट में से जो मिस्टर नाथ का हिस्सा है, उनका साथी हर संडे आकर वो हिस्सा मिस्टर नाथ को दे जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डज निषाद एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ? इसका ये मतलब है कि क्या निषाद मिस्टर नाथ के बारे में माया से सहमत है? हाउ डज ही फील अबाउट हिम, यानी कि निषाद मिस्टर नाथ के बारे में कैसा महसूस करता है, वो उनके बारे में क्या सोचता है? इसका आंसर है नो, निषाद डज नॉट एग्री विद माया, यानी कि निषाद माया से सहमत नहीं है। निषाद को ऐसा नहीं लगता कि मिस्टर नाथ अपराधी हैं। ही थिंक्स दैट मिस्टर नाथ इज अ पुअर लोनली पोलाइट एंड फ्रेंडली पर्सन, यानी कि निषाद को लगता है कि मिस्टर नाथ गरीब हैं, अकेले हैं, विनम्र हैं और अच्छे इंसान हैं, यानी कि फ्रेंडली पर्सन हैं। अब हम देखेंगे वर्किंग विद लैंग्वेज पेज नंबर 93-94। क्वेश्चन नंबर 1 है, द वर्ड टिप हैज ओनली 3 लेटर्स बट मैनी मीनिंग्स, यानी कि ये जो वर्ड है टिप, इसमें सिर्फ 3 लेटर्स हैं लेकिन इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग बिलो। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस साइड में, लेफ्ट साइड में हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें टिप वर्ड यूज हुआ है, और राइट साइड में हमें इन सेंटेंसेस के मीनिंग दिए गए हैं। लेकिन ये मीनिंग्स सही ऑर्डर में नहीं है, यानी कि इसका जो आंसर है वो ये नहीं है, इसका जो आंसर है वो ये नहीं है। हमें यहां पर सही आंसर को सही सेंटेंस के साथ मैच करना है। तो यहां पर टोटल 10 पार्ट्स हैं। अब हम इनके आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स का मतलब होता है द एंड्स ऑफ वंस फिंगर्स। सेकेंड पार्ट है द टिप ऑफ योर नोज, इसका मतलब है द पॉइंटेड एंड ऑफ योर नोज। थर्ड पार्ट है टिप द वॉटर आउट ऑफ द बकेट, इसका मतलब है एम्प्टी अ बकेट बाय टिल्टिंग इट। फोर्थ पार्ट हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग, इसका मतलब है बी अबाउट टू से समथिंग। फिफ्थ पार्ट है टिप द बोट ओवर, इसका मतलब है मेक द बोट ओवर टर्न। सिक्स्थ पार्ट है टिप हिम अ रूपी, इसका मतलब है गिव अ रूपी टू हिम और टू थैंक हिम। सेवेंथ पार्ट है द टिप ऑफ द बैट, इसका मतलब है द एंड ऑफ द बैट। एट्थ पार्ट है द पुलिस वर टिप्ड ऑफ,
इसका मतलब है द पुलिस वर टोल्ड और वॉर्न्ड। नाइन्थ पार्ट है इफ यू टेक माई टिप, इसका मतलब है इफ यू टेक दिस एडवाइस। टेंथ पार्ट है द बैट टिप्ड द बॉल, इसका मतलब है द बैट लाइटली टच्ड द बॉल। क्वेश्चन नंबर टू में हमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं और हमें इन वर्ड्स का यूज करके यानी के हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर या फिर अकम्प्लिस वर्ड का यूज करके इन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है बिजनेस, बिजनेस के साथ यहां पर हम लिखेंगे पार्टनर यानी के बिजनेस पार्टनर। सेकेंड पार्ट है माई डैश ऑन द जर्नी, तो यहां पर हम लिखेंगे कंपेनियन, माई कंपेनियन ऑन द जर्नी। थर्ड पार्ट है आई एम मदर्स लिटिल डैश, तो यहां पर हम लिखेंगे हेल्पर, आई एम मदर्स लिटिल हेल्पर। फोर्थ पार्ट है अ फेथफुल डैश सच एज अ डॉग, तो यहां पर हम लिखेंगे कंपेनियन, अ फेथफुल कंपेनियन सच एज अ डॉग। फिफ्थ पार्ट है द थीफ्स डैश, तो यहां पर हम लिखेंगे द थीफ्स अकम्प्लिस, अकम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी। सिक्स्थ पार्ट है फाइंड अ गुड डैश, तो यहां पर हम लिखेंगे हेल्पर, फाइंड अ गुड हेल्पर। सेवेंथ पार्ट है टेनिस गोल्फ ब्रिज, तो यहां पर हम लिखेंगे पार्टनर यानी के टेनिस पार्टनर या फिर गोल्फ पार्टनर या फिर ब्रिज पार्टनर। एट्थ पार्ट है हिज डैश इन हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो यहां पर हम लिखेंगे अकम्प्लिस, हिज अकम्प्लिस इन हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड को मैच करना है। इस क्वेश्चन में टोटल 7 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है द स्टॉर्म ब्रोक, इसका मतलब है इट बिगेन और बर्स्ट इनटू एक्टिविटी। जब कोई काम झटके से होता है, बहुत जल्दी होता है, तो इसे हम कहते हैं द स्टॉर्म ब्रोक। सेकेंड पार्ट है डे ब्रेक, इसका आंसर है द बिगनिंग ऑफ डे लाइट यानी के सुबह की शुरुआत, जिसे हम कहते हैं डे ब्रेक। थर्ड पार्ट है हिज वॉइस इज बिगनिंग टू ब्रेक, इसका आंसर है चेंजिंग एज ही ग्रोज अप यानी के बड़े होने पर, ग्रो होने पर लड़कों की जो आवाज होती है वो चेंज हो जाती है, वो फटने लगती है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हिज वॉइस इज बिगनिंग टू ब्रेक। फोर्थ पार्ट है हर वॉइस ब्रोक एंड शी क्राइड, इसका आंसर है कुड नॉट स्पीक और वॉज टू सैड टू स्पीक यानी के जब कोई रोता है या जब कोई दुखी होता है उस समय उसकी आवाज बदल जाती है। फिफ्थ पार्ट है द हीट वेव ब्रोक, इसका आंसर है दिस काइंड ऑफ वेदर एंडेड यानी के जब गर्मी का मौसम खत्म हो जाता है तो हम कहते हैं द हीट वेव ब्रोक। सिक्स्थ पार्ट है ब्रोक द बैड न्यूज, इसका आंसर है जेंटली टोल्ड समवन द बैड न्यूज यानी के किसी को बुरी खबर सुनाना, इसे हम कहते हैं ब्रोक द बैड न्यूज। सेवेंथ पार्ट है ब्रेक अ स्ट्राइक, इसका आंसर है एंड इट बाय मेकिंग द वर्कर्स सबमिट यानी के हड़ताल का खत्म हो जाना, स्ट्राइक का खत्म हो जाना और वर्कर्स का अपने काम पर वापस आ जाना, इसे हम कहते हैं ब्रेक अ स्ट्राइक। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।